बज गया है, स्कूल से मैं आ गई हूँ एंड आई एम गोइंग टू हैव माई लंच। अंडा है, साथ में सालन है और बस ठीक है, थैंक यू। लंच करूँगी बाहर, आज मौसम बहुत अच्छा है, और उसके बाद वीडियो की तैयारी शुरू करूँगी। मार्केट गई थी, लैशेस बाय की हैं, लैशेस लेकर आई हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं डायरेक्ट ये लंच करती हूँ स्कूल से आके। ये पार्सल मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है। मैंने ऑर्डर की थी दो रिंग्स, कल मैंने ऑर्डर की थी और आज मुझे ये जो पार्सल है रिसीव हो गया है। हम खोल के देखते हैं क्या क्वालिटी है रिंग्स की। एक ब्लू स्टोन में मैंने रिंग मंगवाई है और एक ब्लैक स्टोन में मंगवाई है। साइज मैंने 17 मंगवाया है। बस बन जी, तो वीडियो सारी बन गई, अब रिमूव करने लगी हूँ ज्वेलरी वगैरह, सारा कुछ रिमूव करूँगी, मेकअप भी रिमूव करूँगी। ये उतर ही नहीं रहा, इतनी हेक्टिक रूटीन थी मेरे आज के दिन की, इतनी ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। इस वक्त कमर इतनी दर्द हो रही है, लेकिन थैंक यू सो मच एवरी वन, जो लोग देखते हैं अप्रिशिएट करते हैं। इसको भी इसकी पैकिंग में वापस डालना, थैंक यू सो मच। आप लोगों की अप्रिसिएशन है, आप लोगों का प्यार है जो मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, वरना यकीन मानो इतनी बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, घर को देखना, बच्चों को देखना, सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स मुझे लगता है कि नहीं होगा, अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है ना वो कर लेती हूँ। ये तो उतर ही नहीं रहा, ये बोला कैमरा नहीं रहा है। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि मेकअप रिमूव किस तरह से करते हैं। जब भी आपने कोई ब्राइडल मेकअप या कोई पार्टी मेकअप या कोई हैवी बेस वाला मेकअप करना है, तो आपने डायरेक्टली अपना फेस वॉश हर गिज़ नहीं करना, बिकॉज़ जो मेकअप होता है, जो हैवी बेसिस होती हैं, बेशक आप प्राइमर अप्लाई कर लें, वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो अगर आप पानी से उनको वॉश करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मेकअप जो होता है वो वाटर प्रूफ मेकअप भी होता है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है या स्किन के अंदर और जम सकता है, फेस
से उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने हमेशा अपने पास किसी अच्छी क्वालिटी के, किसी अच्छी कंपनी के वाइप्स रखने हैं, चाहे मेकअप रिमूवल वाइप्स आप ना रखें, खाली जो है फेस वाइप्स आप लेकर रख लें, और एक मिसलर वाटर की बॉटल, कोई भी अच्छा मेकअप रिमूवर जो है वो लेकर रख लें। आपने उन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना मेकअप रिमूव करना है, अदरवाइज़ आपकी स्किन बहुत ख़राब हो सकती है, एक्नी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। आपने एक साइड पहले क्लीन करनी है और आपने पहले बेस उतारनी है। आप देख सकते हैं मैं वाइप को यूज़ करते हुए पहले बेस उतार रही हूँ, आई मेकअप और लिपस्टिक को मैंने वो वाइप नहीं लगाया अभी तक। पहले सारी मैंने बेस उतारी है, उसके बाद मैंने आईब्रोज़ को नीट किया है, और उसके बाद मैंने आईलिड्स के ऊपर वही वाइप यूज़ किया है, लेकिन उसकी साइड चेंज करके। ठीक है, आपने एक ही जगह से वाइप को पूरे फेस के ऊपर नहीं रगड़ना है, क्योंकि आई मेकअप में काजल यूज़ हुआ होता है, आईलाइनर मस्कारा यूज़ हुआ होता है, तो आई मेकअप लास्ट पे क्लीन कीजिएगा, ताकि वो वाला आई जो वाइप है वो पूरे फेस पे ना लगे, और इस तरह आप जेंटली अपना मेकअप रिमूव करें। अब ये देखें आफ्टर मेकअप की हालत देखें मेरी, मेरे रूम की इतना मैस हो जाता है। आपने बच्चों को साथ मैनेज करना होता है, मेकअप लगाना, उतारना, क्लीन करना, मेकअप को दोबारा सेव करना। फिर ये वाली टी शर्ट देखें जी, ये टी शर्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये लव है, गुड थिंग्स विल हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम, और मेरी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी चीज़ें तभी होती हैं जब मैं उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही होती हूँ, और मुझे ये शर्ट बहुत पसंद आई। खाना आ गया है, खाना मेरे अभी आज बाहर से ले आए हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तब भी मैंने दाल बना ली थी, लेकिन उन्होंने दाल खानी नहीं थी, तो वो खाना बाहर से ले आए हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं जल्दी से क्लिनजिंग करूँगी। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और अब मैं जल्दी से क्लिनजिंग करूँगी, और क्लिनजिंग के लिए जो है मैं यूज़ करने वाली, ये देखें स्पॉन्जेस धोने से क्या हाल हो गया। ये मैंने पहले ना वो क्या उसको कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स वॉश किए थे, तो ये सारी बेस ही बेस हो गई है मेरे वॉशरूम में, और ये है भी वाटर प्रूफ, ये उतर भी नहीं रही है आसान से। तो अब मैं जो है यूज़ करूँगी ये हिमानी का स्क्रब एक्सट्रैक्ट सब स्क्रब, मैंने टी शर्ट पहनी है ये भी हबी ने गिफ्ट की थी, ये स्क्रब यूज़ करूँगी, और स्क्रबिंग करने के बाद जो है मैं फेस वॉश यूज़ करूँगी, और फिर आपको मिलूँगी खाने पे। ये हाँ जी, मेकअप के बाद क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्लिनजिंग भी करें, और कोशिश करें टाइम हो तो आप अपने फेस पे स्क्रब भी यूज़ करें। ये देखें मेकअप रिमूव करने के बाद फ्रेश स्किन तब भी लगती है जब आप अच्छे तरीके से पूरी स्किन केयर रूटीन करेंगे तब ही। और मैंने चेंज कर लिया है, ये टी शर्ट मैंने वही पहनी है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, बहुत ही खूबसूरत टी शर्ट है। थैंक यू टू हबी फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। और अब आएगा टाइम खाना खाने का, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वाकई एक वीडियो लाइव करने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है एज़ कम्पेयर टू रिकॉर्ड करने में। रिकॉर्ड हम बार बार क्लिप कट करके कर लेते हैं, लेकिन लाइव में सब कुछ आप लोगों के सामने चल रहा होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली मैनेज करना, देखें आप सामने किस तरह से मैं फैमिली को साथ मैनेज कर रही होती हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ लाइव आ रही होती हूँ, तो डू अप्रिशिएट। अब चलते हैं खाने की तरफ, और खाने के बाद ये हो गए अगली सुबह, और देखिए जी हम आ गए हैं किचन में अगली सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर हबी अपने लिए चाय बना रहे हैं, इनको आजकल बड़ा जोश चढ़ा हुआ है चाय पराठा खाने का, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि हमारे घर में मैं और मेरे अभी दोनों ही चाय नहीं पीते, और मैं अंडे फ्राई कर रही हूँ, साथ में मैंने दाल को तड़का लगा लिया जो मैंने रात को बनाई थी, लेकिन इन्होंने नहीं खाई थी। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, आज मैंने लाइव भी आना है और मैंने मेरे भाई के बेटे की बर्थडे पर भी जाना है, तो आज देखिएगा कि कितना हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए, सोशल मीडिया को भी बैलेंस करना, साथ फैमिली को भी बस। तो ये है जी इस बेबी का नाश्ता, ये शक्कर इस बेबी का नाश्ता, और ये मेरा नाश्ता। बर्गर शाहजैन को मैंने सुला दिया है, खेलता खेलता थक के सो गया, और अब मैं उसकी नेल्स कट करने लगी हूँ। सोते सोते के ही नेल्स कट कर सकती हूँ, जब जाग जाता है फिर तो बिल्कुल ही नहीं काटने देता नेल्स। इसके नेल्स कट करूँगी, फिर बाकी की तैयारी करूँगी। अभी 1 बज चुका है और 3 बजे मैंने लाइव भी आना है।
कपड़े सबके रेडी हो गए हैं। ये टिटू के पापा की शर्ट है, इसके साथ एक ये पैंट मुझे अच्छी लग रही है, एक ब्लैक। अब मैंने क्योंकि ब्लैक पहनना है तो फिर उनको मैं ब्लैक दे रही हूँ। यहाँ पर बच्चों के कपड़े निकाली हैं, ये दोनों के सेम कपड़े हैं, दोनों ने आज शॉर्ट्स के साथ ही टी शर्ट्स पहनी है। ये शाहजहान की टी शर्ट है, ये दुल्हा की टी शर्ट है। और मैं आपको अपने कपड़े भी दिखाती हूँ, मेरे कपड़े भी ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं। हाँ नहीं है, वो मुझे मिल गए हैं कपड़े। ये मैंने सूट पहनना है ब्लैक। ये है जी इसकी डिटेलिंग, इसके ना ये लटक रही है साइड पे। चेन में दिखाती हूँ आपको इसकी बेल्ट, ये राजी ड्रेस। इसका ट्राउज़र ये पड़ा हुआ। शाहजहान की मालिश हो गई है और शाहजहान की पैकिंग हो रही है और अब्दुल्ला और उसके पापा शावर ले रहे हैं और मैं भी अब चेंज करूँगी क्योंकि 3 बजे मैंने लाइव आना है और 2:10 हो गए हैं। और ये देखें जी, मेरे हस्बैंड को ना शर्ट्स के जो टैग होते हैं ना, ये चुभते हैं। किस किस के हस्बैंड को ये चुभते हैं, मुझे ये उतारना पड़ता है फिर वो पहनते हैं। एक रेडी हो गया है, एक को मैंने शावर दे दिया है, रेडी होने लगा है। और इधर भी शावर हो गया है हाफ रेडी। और 2:30 मैं शावर के लिए जा रही हूँ ताकि वीडियो के लिए तैयारी कर सकूँ। दोनों सेम कपड़े पहनेंगे आज माशाल्लाह। तो जी मैंने पहना है ये ड्रेस, ये ब्लैक और वाइट में है, साथ में ये नेकलेस है। ये रिंग मैंने एच के एक्सेसरीज से मंगवाई है और साथ में मोचवानी का जूता है। डैट्स इट, वी आर रेडी टू गो। हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे, लाइव आपने मेरा देख लिया होगा, तब मिलूंगी रास्ते में। बेबी का केक आ गया, ये खोलो जरा ऊपर से। डिग्गी में रखने लगा? नहीं नहीं, इधर सीट पे। ओके बेबी, केक देखा? बेबी का केक देखा? देखा देखा। ओके हाँ जी, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल सीता? कैसा केक है?